Hey guys, welcome to our Twin Sisters 2.0 channel. I'm Maitri and I'm Kanti. So आज हम बना रहे हैं video on Q&A. Yay! So हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना Q&A video लेके आई जाए, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे questions आ रहे थे हर एक ब्लॉग के नीचे comment section में, questions पे questions में सारे comments आ रखे होते थे कि please Q&A video करो दीदी, क्योंकि हमारे बहुत सारे questions हैं. आपके life में क्या क्या changes आए हैं, आपके husband क्या job करते हैं, पता नहीं इतने सारे questions थे आपके. तो हमने सोचा क्यों ना एक स्टोरी डाली जाए इंस्टाग्राम पे एंड पूछा जाए कि आप लोग क्या क्या हमसे पूछना चाहते हो बता दो, हमें एक लिस्ट बना के. एंड लिटरली इतने सारे क्वेश्चन आए भाई, मैं पागल ही हो गई देख के, बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे. तो हमने सोचा चलो बढ़िया है, अब आप लोग काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एक आराम से सिटिंग वीडियो बनाते हैं, बड़ा टाइम हो गया मैं कुछ वीडियो ऐसे बनाए हुए सिटिंग वीडियो. तो हमने सोचा चलो कुछ 15 क्वेश्चन अराउंड हम आंसर देते हैं आपके. लाइक ऑब्वियसली हम सारे क्वेश्चन तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली जो बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन थे हमने वो वाले सिलेक्ट किए हैं. एंड या सो लेट्स स्टार्ट विद द Q&A वीडियो गाइस. बहुत एक्साइटेड है गाइस, लेट्स स्टार्ट. सो गाइस आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड लाइक द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है. सो जो कि है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, प्लीज टेल. ये पूछा है अंकिता ने. एंड आपको हम बता दें हमारी जो है वो है अरेंज मैरिज. सो या इट गोना बी अ शॉकिंग न्यूज फॉर यू गाइस के अरेंज मैरिज. हमने सोचा था कि शायद आपकी लव मैरिज होगी यार. हर कोई हमसे मिलता तो ये बोलता है कि क्या बोलते हैं आप तो हमेशा अब तो लव मैरिज ही करोगे, लेकिन हमारी शादी नहीं भी हुई तब भी. आई डोंट नो सर क्यों लोग सोचते हैं कि लव मैरिज ही हम करेंगे, कि कुछ अजम्पशंस होते हैं लोगों के. बट ठीक है, बट आपको बता दें कि हमारी हुई है अरेंज मैरिज एंड इट्स अ टिपिकल अरेंज मैरिज. और सो ठीक है, आपको आई होप अंकिता आंसर पता लग गया. एंड बहुत सारे लोगों ने यही सेम क्वेश्चन बोला है, तो हमने सिर्फ अंकिता का ले लिया है क्वेश्चन. लेकिन जिसने पूछा है वो आपको पता लग गया है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन दृष्टि आप पढ़े. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दत्ता कौशिकी. इन्होंने पूछा है कि हाउ हैज योर डे रूटीन चेंज्ड आफ्टर मैरिज. काफी चेंज हुआ है, आई थिंक एंटायरली चेंज हो गया है यार. आपका जो रूटीन होता है बिफोर मैरिज बहुत डिफरेंट होता है, बिकॉज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पहली बार, तो फ्री रहते हो नो. बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम फ्री नहीं है, जस्ट दैट कि आप बस थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो एक फैमिली के लिए. सो थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है. इधर भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इन लॉज, जो कि हमारे मम्मी पापा. ऑफकोर्स जैसे कि अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हस्बैंड की, हम लोग को सिर्फ अपने आप को देखना होता था शादी से पहले. नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल. ऐसा नहीं कि वही हमें उनकी टेक केयर करते हैं, वो भी हमारी करते हैं ऑफकोर्स, वाइस वर्सा. बट द थिंग इज कि आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है. तो ऐसा नहीं कि आप सुबह उठ रहे हो 10 बजे एंड आपके हस्बैंड तो जॉब पर भी चले जा चुके होंगे अब तक, ऐसा नहीं. सो सबसे मेजर हमारे चेंजेस तो वही है कि हमारा मॉर्निंग रूटीन एक्चुअली दिस वाज अ ड्रीम मॉर्निंग रूटीन. हम हमेशा से चाहते हैं कि हम जल्दी जगे, पर हमको इतना वो रीजन ही होता है जल्दी जगने का. नाउ वी हैव रीजन, अ सॉलिड रीजन. तो या तो मॉर्निंग रूटीन भी, मतलब मॉर्निंग भी हमारा बिल्कुल चेंज हो चुका है. टाइम टेबल मेरा जो जगने का था, एंड हमारे हस्बैंड बहुत टाइम से जाते हैं, सो दे हैव अ प्रॉपर शेड्यूल. जैसे हम लोग स्कूल जाते थे ना, वैसा वाला होता है जो सुबह इतने बजे जगना, इतने स्कूल निकल जा रहा है, वैसा वाला. तो हाँ, सो लाइफ हैज चेंज काफी लॉट हुई है, इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे. सो या कभी ना प्रॉपर हम ना एक वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, हमारा पूरा डेली रूटीन सॉर्ट ऑफ जो होता है. हाँ, तब आप लोग को अच्छे से. नो क्वेश्चन एक्चुअली लोगों ने पूछा है डेली रूटीन है क्या, बट अगर वो समझाने बैठे तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको अलग से बनाएंगे एज अ ब्लॉग में, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय मुस्कान कश्यप. व्हेन यू बोथ आर प्लानिंग फॉर हनीमून. ओके सो हनीमून, ये वाला क्वेश्चन पता नहीं इतने सारे लोगों ने पूछा है, काफी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड है हमारे हनीमून में. सो आपको बता दें कि एक्चुअली हमारे हस्बैंड्स जो है दे आर सो ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क एंड देयर जॉब, सो टाइम निकल नहीं पा रहा है. एक्चुअली ना लोग क्या करते हैं, राइट आफ्टर देयर वेडिंग मैरिज जो भी कह लो, उसके बाद ही वो लोग जाते हैं हनीमून. बट हमारे साथ के सीन हो रहा है कि छुट्टियां देखनी पड़ रही है, हमारे हस्बैंड से सब छुट्टियां हैं, छुट्टी मिल नहीं रही है. सो द थिंग इज कि जब भी हमारे हस्बैंड से छुट्टी होती है हमें उस टाइम पे मायके जाना पड़ जाता है. ऐसे कुछ ना कुछ ओकेशन आ ही जाती है, कभी हमारे एग्जाम्स आए, कभी हमारे पग फेरा जाना है, कभी कुछ आ गया, कभी एंड में तो कुछ हॉलीडे ही नहीं है. सो वी आर प्लानिंग लाइक एज सून एज पॉसिबल हम जा पाए हनीमून, जैसे ही टाइम लगे उनको. सो टेंशन मत दीजिएगा, हम जब भी जाएंगे आपको ब्लॉग देखने को मिल ही जाएगा. सो यार जितना एक्साइटेड आप हैं हमारे हनीमून ब्लॉग देख लिए, उतना एक्साइटेड हम हैं घूमने जाने के लिए. और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सृष्टि अंडरस्कोर शर्मा. ओके आई वांट टू नो दैट व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान मींस इन योर स्टडीज. लाइक फ्यूचर प्लान मतलब एज इन स्टडीज में हमारा क्या फ्यूचर प्लान है. ओके सो करेंटली वी आर डूइंग अ मास्टर्स, तो इसके बाद वी गोना बी डूइंग टीचिंग. सो हम परस्यू करने वाले हैं टीचिंग, सो दैट्स आवर फ्यूचर प्लान इन स्टडीज. तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है जो कि पूछा है मोनू ने. मैं पूरा नाम नहीं बोल रही, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर. ओके द क्वेश्चन इज हु इज देवरानी एंड जेठानी. सो ये तो लाइक वेरी ऑब्वियस वाली बात है गाइस. आई एम द एल्डर वन, सो आई वुड बी
जेठानी का नाम तो देवरानी गाइस। अरे ये कभी अजीब लगता है बोलने में कि हम सिस्टर्स भी हैं एंड देवरा जेठानी, देवरानी और जेठानी। ये सिर्फ बोलने के लिए है, देवरानी जेठानी ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ जो भी है देवरानी तो आपको मतलब पता लग गया ना मैं हूँ एंड जेठानी दीदी है। सो इट्स लाइक ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय दुर्गा, व्हाट योर हस्बैंड्स डू एंड वांट मोर वीडियोस विद देम। सो अगेन ये बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हमारे हस्बैंड्स क्या जॉब करते हैं, तो आपको बता दें जॉब का तो हम नहीं बता सकते बिकॉज इट्स काइंड ऑफ प्राइवेट एंड अगर आपको बताएंगे तो थोड़ी सी नो उनकी प्राइवेसी में इन्वेजन हो जाए, इस वजह से वी कांट डिस्क्लोज दैट फर्स्ट थिंग। सेकंडली आप चाहते हैं कि वो हमारे वीडियोज में और भी दिखे। सो गाइज एक्चुअली वो जाते हैं अपनी जॉब पे पूरे दिन एंड हम लोग रहते हैं घर पे। yes. so, हम बना सकते हैं वीडियोज वगैरह ब्लॉग्स वगैरह आपके लिए, बट वो पूरे टाइम वो एक संडे फ्री मिलता है एंड उसमें भी हम लोग उनके साथ वीडियो बनाएंगे तो उनको yes. तो थोड़ा सा कुछ रिलैक्सेशन वाला टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड लाइक दे आर नॉट यूज्ड टू ब्लॉगिंग एंड ऑल, वो ऐसे बहुत शाय है, कैमरा शाय है बहुत ज्यादा। जिस घर में हमारी शादी हुई है दे आर लाइक नॉट यूज्ड टू दिस कैमरा थिंग्स एंड एक्चुअली हाँ एक्चुअली हमारे जो वहाँ पे जो हमारी मायके वाली फैमिली थी वो भी काफी दिन में यूज्ड टू हुए थे कैमरे वाली चीजों से, वीडियोज वगैरह से। एंड हमारा ऐसा है कि वी लाइक मेकिंग वीडियोज ब्लॉग्स एवरीथिंग, तो हमारा इज लाइक डिफरेंट ही हमारा एंड वी जस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 इयर्स से कर रहे हैं, सो हम बहुत यूज्ड टू हो चुके हैं, हमारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है। तो इसलिए आई डोंट थिंक यू विल गाइस सी देम इन लाइक अपना वीडियोज इन फ्यूचर इतना ज्यादा। सो हाँ आप लोग को वीडियोज हमारे दिखेंगे बट ऐसे नहीं कि आपको हर वीडियो में वो हमारे दिखेंगे, लाइक कभी कभी कोई ओकेजनली वो आया करेंगे हमारे ब्लॉग्स में वीडियोज में। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय अदिति, जो क्वेश्चन है वो है इन विच सिटी योर ससुराल एंड मायका। सो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है वैसे पूछा जिसने। सो हमारे ससुराल है वो है आगरा में एंड जो हमारा मायका है वो है दिल्ली में। लाइक जिन लोगों ने हमारे ब्लॉग स्टार्टिंग से देखे उनको पता हो कि हम लोग दिल्ली में रहते थे, नाउ वी आर इन आगरा आफ्टर मैरिज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हूम नीश। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नीश ने, सो हाउ डू यू गाइज डिसाइड हु विल मैरी हूम। ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इफ यू सी, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इवन हमारे फ्रेंड्स ने भी हमको ये पूछा था कि तुमने डिसाइड कैसे किया कि कौन किससे शादी करेगा, बिकॉज दे आर ट्विंस एंड यू आर ट्विंस टू, कैसे डिसाइड किया तुमने। सो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस क्वेश्चन था कि जो एल्डर ट्विन है उनकी एल्डर ट्विन से होगी और जब यंगर ट्विन है उनकी यंगर ट्विन से होगी। ऐसा हर एक ट्विन्स में ऐसा होता नहीं, ये बड़ा है छोटा, लाइक अकॉर्डिंगली वेट या फिर मिनट्स का डिफरेंस होता है। हाँ तो वैसा वाला डिफरेंस उनमें भी है हमें भी है, जिसके अकॉर्डिंग वो बड़े या छोटा या ऐसे करके डिसाइड करते हैं कौन है। सो ऐसा ही हमारे में था सेम, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कि जीजू की शादी हुई दीदी से क्योंकि वो बड़े हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज बाय शरी ब्रार, What you call your husbands means their nickname. Okay, so मतलब nickname भी बताना है एंड जो एक्चुअल नेम है वो बताना है, सिर्फ nickname बताना मतलब basically हम उनको किस नाम से बुलाते हैं। Okay, so my husband name is Mayank and मैं उनको Mayank से ही बुलाती हूँ नाम, and जो मेरे husband है उनका नाम है मोहित, but I call him Mani because that's his nickname. So I like Mani, it's very quick सा हो जाता है ना Mani एकदम फटाफट से, so I call him Mani. I know आपको इस explanation की जरूरत नहीं थी but ठीक है मैंने दे दिया explanation guys. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सोनिया, क्वेश्चन है आप अपनी मैरिज लाइफ में सिर्फ ब्लॉग और यूट्यूब के लिए टाइम कैसे निकालते हो। ओके इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो ऐसा है कि पहले हम लोग को क्या था कि हम लोग कभी भी बैठ जाते थे वीडियोस बनाने के लिए, इवन रात के 11 बज रहे हैं 12 बज रहे हैं हम लोग का मन कर रहा है कि आज वीडियो बना लेते हैं तो बना लेते हैं, बट नाउ वी हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, तो हम लोग ऐसा होता है कि सुबह ये करना है दोपहर में वील गेट द फ्री टाइम, उस टाइम पे हम लोग कुछ जो चाहे कर सकते हैं लाइक अपने वीडियोस वगैरह बनानी है वो बना लो, पढ़ाई कर लो, बट हाँ बट देयर इज अ प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग हियर। यूट्यूब के लिए भी निकाला है हमने। ब्लॉगिंग तो यू नो ना कि ब्लॉगिंग तो पूरे दिन का आप जो थोड़ा थोड़ा पार्ट शूट करते हो तो वो तो हो जाता है इजिली, बट इवन यू मेक रील्स और जैसे कि सिटिंग वाली वीडियो बना रहे हैं इसके लिए हमको ऐसा टाइम निकालना पड़ता है एंड एडिटिंग कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारे लिए, तो वो बहुत टाइम ले लेती है एडिटिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय तनु चौधरी, I spent my childhood in Agra. It is an emotion to me and so I would like to ask you, how is your experience in Agra? Okay, so Agra is like a beautiful city. Yeah. ताजमहल है यहाँ पे, हम लोग 2-3 बार आए गए ताजमहल देखने के लिए बट कभी नहीं सोचा था इधर हमारा ससुराल भी होने वाला है। सो फार इट्स वेरी ब्यूटीफुल, हमने जितना एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हमने अब तक डिस्कवर किए हैं एक्सप्लोर किए हैं तो हमें तो काफी मजा आ रहा है एंड इट्स ब्यूटीफुल। हाँ लाइक हम जब रोड पे निकलते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग लाइक जो शिफ्ट हो गए हैं ना। हाँ देयर इज नो डिफरेंस इन दिल्ली एंड आगरा के, मुझे लगता है ट्रैफिक भी इज ऑलमोस्ट सेम आई गेस एंड सब कुछ सेम सा लगता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्टे एट होम एंड जैसे बाहर निकलते हैं तो इन द सोसाइटी वी लिव हियर इट्स वेरी लाइक कामिंग एंड लाइक ब्यूटीफुल। जैसे हम लोग दिल्ली में रहते थे बिल्कुल यू नो शांति वाला एरिया में रहते थे, यहाँ पे भी एक्जैक्टली वैसा ही है, तो देयर इज नो मच डिफरेंस आगरा में और दिल्ली में हमारे लिए मेरे ख्याल से। सो द लास्ट क्वेश्चन इज बाय निशा, तो क्वेश्चन है हाउ वॉज योर विदाई, शेयर सम मोमेंट्स।
तो विदाई का ऐसा सीन है, आपको बता थोड़ी सी एक बिहाइंड द स्टोरी बताते हैं। जब ना शादी हुई नहीं थी हमारी, इस टाइम पे ना मम्मी एंड सब लोग हम डिसाइड कर रहे थे कि कोई भी रोएगा नहीं विदाई पे, ठीक है। एंड मम्मा वाज लाइक कि बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, क्यों रोना है फालतू में, क्यों रोना है, इतनी अच्छी फैमिली में जा रहे हो तुम, इतने अच्छे लोग हैं वहाँ पे, तुम एक फैमिली में जा रहे हो, फैमिली से निकल के क्या है इसमें, क्या है, बहुत पास भी रहेंगे, लाइक 2-4 घंटे रास्ता है इसमें, क्या है कि तुम अब्रॉड जा रहे हो, तुम्हें आने में इतना वक्त लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं किया, कोई मिल नहीं सकते, जब आओ कभी भी आओ कभी जाओ मिल सकते हो, ऐसा हमने डिसाइड किया था कि कोई भी रोएगा, और ऐसे डिसाइड करेंगे सब लोग डिसाइड करते होंगे शादी से पहले कि रोएंगे नहीं, तो नॉर्मल चीज है, रोना क्यों है वगैरह वगैरह, ऐसे हमने पूरे सब लोगों ने डिसाइड किया। और ना मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, मम्मी बोल रहे थे कि नहीं नहीं रोएंगे नहीं भैया, लाइक ठीक है कोई भी नहीं रोएगा, कोई भी नहीं रोएगा, ठीक है। बट जब वो मोमेंट आता है तो अपने आप ही आंसू से आ जाते हैं, कह सकते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि अब तो जाने ही पड़ेगा, वाला भी नहीं, अब तो वो शादी हो गई, अब तो शादी हो गई है, तो वो बहुत अलग सी फीलिंग होती है। आई थिंक जब आपके साथ वो चीज हो रही होती है तो आपको तब वो रियलाइज होता है, आपको मैं बताऊंगी तो इतना समझ में नहीं आएगा, बट मुझे अभी थोड़े गूज़बम्स आ रहे हैं कि ओह माय गॉड, वो अलग सी फीलिंग थी। लाइक जिसने वीडियो बोला था, हम जब ने वीडियो बनाई थी कि हम नहीं रोएंगे, सब लोग ही रोए थे, मम्मा वगैरह लाइक सब लोग, एंड लाइक वो हो जाता है कि सब कितना भी कंट्रोल कर लो आपको वो रोना आ ही जाता है, विदाई होती ही ऐसी है। सो बहुत ज्यादा इमोशनल था वो सीन सबके लिए, लाइक भैया बहुत कंट्रोल कर रहे थे, भैया नहीं रोते, भैया ने कहा था कि नहीं नहीं भैया ब्लॉग कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा अगर शादी वाला ब्लॉग, कि वो ब्लॉगिंग इंटायर टाइम जो हम, ताकि हम लोग थोड़ा हंस सकें, बट उसे भूल जाए कि नहीं कुछ नहीं है, भैया नॉर्मली कह रहे कि बेटा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और फॉलोअर्स नहीं चाहिए, कि ऐसे मजाक कर रहे, हंसाने की ट्राई कर रहे थे, बट हम लोग लाइक कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे, वो तो आंसू निकले जा रहे निकले जा रहे, एंड बट फिर हम लोग चले गए, विदाई हो गए हमारे, तब भैया रहते थे, बाकी वो हमारे कजिन्स ने बताया हमें, मैंने तब उनका रोना शुरू हुआ था, तो वो एक मोमेंट वो होता है, लाइक वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, जो जो ब्राइड की जो फैमिली होती है बहुत डिफिकल्ट होता है, उनके लिए डिफिकल्ट होता है, ऑब्वियसली बात है। हाँ सो यार ये था हमारा क्यू एन ए वीडियो, वी होप आप लोग को हमारा ये क्यू एन ए वीडियो अच्छा लगा होगा, सो यार लेट्स एंड दिस वीडियो हियर, सी यू सून, अंटिल देन बाय बाय, एंड आल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय।